हेलो एवरीबॉडी, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के तीसरे कंपोनेंट के बारे में, जिसे हम पंप ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। तो हार्ट को हमने एक पंपिंग ऑर्गन कहा है, और ये जो हार्ट है ये बहुत ही जरूरी है हमारे बॉडी में। तो इस लेसन में हम सबसे पहले देखेंगे कुछ एक्सटर्नल फीचर्स अबाउट दिस हार्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है। तो आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में। हार्ट की लोकेशन को देखें तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो हार्ट है वो ऊपर से ब्रॉडर पार्ट है जो कि टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड जो उसका लोअर साइड है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि हार्ट की लोकेशन में उसे कहा जाता है कि वो प्रेजेंट है मीडिया स्टाइनम में। सो जो मीडिया स्टाइनम है वो थोरासिक कैविटी है जहां पे हार्ट प्रेजेंट है बिटवीन द लंग्स। तो हमें पता है कि लेफ्ट वाला जो लंग होता है उसके पास कार्डियक नॉच होता है और वहां पे ही हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट के अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि हार्ट का साइज, उसका डायमेंशन और उसका वेट क्या होगा। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि हार्ट जो है 6 × 9 × 12 सेंटीमीटर्स, एंड इसका वेट है करीब 250 से यहां देखेंगे हम 300 ग्राम्स तक। ओके, सो अगर हम एक नॉर्मल साइज जानना चाहते हैं हार्ट का तो हम देख सकते हैं कि वो करीब करीब हमारी फिस्ट के बराबर ही होता है। आगे चल के अब हम देखते हैं हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे उसकी मेम्ब्रेन। तो हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है हम उसे कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन है जिसका नाम हमने दिया है पेरिकार्डियल, ये बेसिकली दो लेयर से बनती है जिसमें हम देखते हैं इनर और आउटर लेयर। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे इनर एंड आउटर लेयर। ये जो दो लेयर्स हैं ये है फाइब्रस, तो आउटर लेयर जो है वो है फाइब्रस, जैसे कि नाम प्रेजेंट है इसका, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, और इनर जो है वो है सिरोसा। ओके, ये जो सिरोसा है हमने देखा फाइब्रस और इनर सिरोसा, अब ये जो सिरोसा है ये भी हमने आगे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है जिसमें से एक होता है विसरल और एक होता है पेरिटोनियम। ओके, सो पेरिटोनियम जो है वो बाहर वाला लेयर है और जो विसरल होता है वो इनर वाला लेयर होता है। ऑलराइट, अब हम यहां देखते हैं कि विसरल और पेरिटोनियम के बीच में यहां पे पाया जाता है कुछ स्पेस, और इस स्पेस को जो कि इन दोनों के बीच में पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। ये है पेरिकार्डियल स्पेस, और जो पेरिकार्डियल स्पेस है वहां पे फिल्ड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ऑलराइट, तो अभी हमने देखा कि पेरिकार्डियल स्पेस में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है बेसिकली? वेल, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये हार्ट में सबसे पहले दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, सेकंड है कि ये लेयर्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, एंड थर्ड है कि ये हार्ट को शॉक से बचाता है। तो ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये सिक्रीट भी यही मेम्ब्रेन्स करते हैं। ऑलराइट, तो ये था उसका आउटर कवरिंग या आउटर मेम्ब्रेन, जिसे हमने बोला पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या फिर पेरिकार्डियम। यहां हम देखते हैं कि दो लेयर से बना है, आउटर है यहां पे फाइब्रस, ये है हमारा आउटर लेयर, और ये है हमारा इनर लेयर। सिमिलरली सिरोसा में ये है हमारा इनर लेयर और ये है हमारा आउटर लेयर। ऑलराइट, इनके बीच में प्रेजेंट है स्पेस और वहां फिल्ड है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब आगे चल के हम देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आर हार्ट। तो हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब ऑब्जर्व करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे देखेंगे वो होगी सल्कस। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे सल्कस। सल्कस में हम देखते हैं कि हार्ट को हमने ऊपर और नीचे दो तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो ऊपर और नीचे डिवाइड किया गया है वो एक सल्कस से डिवाइड किया है, और इस सल्कस को जो हमने नाम दिया, ये जो हमारा सल्कस है इसे हम कहते हैं कोरोनरी सल्कस।
ओके सो जो कोरोनरी सल्कस है वो हार्ट को दो ऊपर और नीचे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर वाले पार्ट छोटे हैं नीचे वाले पार्ट से। नाम अगर हम इन्हें देंगे तो हम बोलेंगे कि ऊपर वाले पार्ट से हमारे ऑरिकल्स, जिसमें कि हम देखेंगे कि ये वाला साइड जो है इसे हम बोलेंगे राइट साइड और ये साइड है हमारा लेफ्ट। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये होगा हमारा राइट वेंट्रिकल, ओके इन्हें हम नाम देंगे वेंट्रिकल्स नीचे वाले, और ये जो है वो होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऊपर वाले हमारे चेंबर्स, जब तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा चेंबर होगा यहां पे, इसको हम अगेन बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, एक ही बात है, और ये जो होगा उसे हम बोलेंगे राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे चार चेंबर्स देख लिए। अब जब सेप्टम्स के पास वापस आते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों ऑरिकल्स भी सेप्टम से डिवाइडेड है और इन सेप्टम को हम बोलेंगे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो भी एक सेप्टम से डिवाइडेड है और इनको हम नाम देंगे यहाँ पे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ओके सो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। तो आपने देखा पहले हमने हार्ट को दो पार्ट में ऊपर और नीचे डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी सल्कस। सेकंड हमने बीच से भी उसे डिवाइड किया है, दो ऑरिकल्स को डिवाइड करने वाले सेप्टम को हम बोलेंगे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, नीचे वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाले सेप्टम को हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। तो अभी हमने यहाँ चार चेंबर और ये सेप्टम्स ऑब्जर्व कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नली कि यहाँ से ढेर सारे ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं और अंदर आ रहे हैं। तो आइए अब हम ऑब्जर्व करते हैं ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स अगर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ, तो सबसे पहले आइए अब हम देखते हैं कि राइट ऑरिकल्स में क्या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। राइट ऑरिकल में हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो सबसे बड़ा ब्लड वेसल आप देख रहे हैं, इसको हमने नाम दिया है यहाँ पे वीना कावा। ओके ये है वीना कावा। तो ये जो वीना कावा है हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है, राइट। तो ऊपर वाले को हमने नाम दिया है सुपीरियर वीना कावा, ये है हमारा सुपीरियर वीना कावा, और जो नीचे वाला है इसको हमने नाम दिया है यहाँ पे इनफीरियर वीना कावा। ठीक है, सो सुपीरियर एंड इनफीरियर वीना कावा, दिस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी, और साथ में हम देखेंगे कि इसे हम पोस्ट प्री केवल और इसे हम पोस्ट केवल भी कह सकते हैं। ऑलराइट, ये दोनों जाके ओपन होते हैं हमारे राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल के बाद हम आते हैं नीचे हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में हम देखते हैं कि यहां से आपको दो आर्च दिखाई दे रहे हैं और यहां से जो ब्लड वेसल निकलता है बाहर उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके तो ये है हमारा एक ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, राइट, इसे हम बोल सकते हैं राइट ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और ये है हमारा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ऑलराइट, सो दो हो गए, ये है हमने कहा जिसे राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ऑलराइट, ये पल्मोनरी आर्टरी यहां से निकल के हाथ से जाती है लंग्स के पास। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम हमारे लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में ऊपर अगर आप लेफ्ट ऑरिकल आप देखें तो लेफ्ट ऑरिकल में आप देखेंगे यहाँ पे एक पैर, और ये जो पैर ऑफ ब्लड वेसल्स है इन्हें हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ओके यहाँ पे ये एक पैर प्रेजेंट है और यहां से आप यहां देखेंगे कि यहां पे भी ओपनिंग होती है दूसरे पैर की। ऑलराइट, तो हम बोलेंगे दो पैर ऑफ पल्मोनरी वेन आके ओपन होते हैं हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, और ये जो पल्मोनरी वेन है ये आ रहे हैं हमारे लंग से। ओके नेक्स्ट हम नीचे आते हैं हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट वेंट्रिकल से आप देखें तो ये आर्च जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है, ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी है और इसे हमने नाम दिया है एओर्टा। ओके ये है एओर्टा। तो हमने कहा कि जो लार्जेस्ट वेन है वो है वीना कावा और लार्जेस्ट आर्टरी जो हमारे बॉडी की है वो है एओर्टा। इसके अलावा जो एक्सेप्शंस है हमारे आर्टरीज और वेन्स के वो है ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन यहाँ पे।
ऑलराइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो एओर्टा है इसके पास भी छोटे छोटे इसके आर्च में कुछ और भी ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये जो ब्रांचेस हैं ये बेसिकली जाके हमारे हेड रीजन को सप्लाई करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे इसे दोबारा ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से हैं। तो ये जो सबसे बड़ा है उसके बाजू में यहाँ पे हमने देखा कि दो छोटे और भी सप्लाई है, राइट। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा वाला, इसका हमने नाम दिया है ब्रेकियो सिफेलिक। ये है ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी, ओके। सेकेंड जो है वो है हमारी कॉमन कैरोटिड, ओके। और जो लास्ट है वो है सब क्लेवियन। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें से तीन ब्रांच निकल रहे हैं जो कि हेड रीजन को सप्लाई करते हैं, वो है ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड एंड सब क्लेवियन। ऑलराइट, तो ये थे कुछ पार्ट्स ऑफ हमारे एओर्टा। तो इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर चेंबर्स इनिशियली यू हैव सीन, देन यू हैव सीन द डिफरेंट सेप्टम्स, ऑल्सो यू हैव सीन कि यहाँ से कौन कौन से ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट में एंटर करते हैं और कैसे एग्जिट करते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया कि राइट ऑरिकल में जो एंटर करता है, आइए हम इसे देखते हैं यहाँ पे, राइट ऑरिकल में जो एंटर करते हैं वो होते हैं हमारे वेन्स, यानी कि सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल से एग्जिट करता है वो होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है, ओके, वो है दो पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन। सिमिलरली हमने देखा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एग्जिट करता है उसे हम बोलते हैं हमारे बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी जिसका नाम है एओर्टा। तो अब इस लेसन में आपने समझा है द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें आपने ऑब्जर्व किया कि हार्ट के आउटर कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कह सकते हैं या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। साथ में आपने देखा कि चार चेंबर्स हैं, सेप्टम्स हैं और कुछ ब्लड वेसल्स हैं। आगे चल के नेक्स्ट लेसन में आप देखेंगे द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।